أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا خيرا الوسية للوالدين وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه, يبدلونه إن الله سميع عليم آيات वन सेवेंटी वन वन एटी और वन एटी वन ठीक है दो आयतें हैं ये और ये तर्जुमा है ज़ियाउल कुरान ठीक है सूरतुल्बारा है फ़र्ज किया गया है तुम पर ये है सूर तर्जुमा जो है ज़ियाउल क़ुरान है ठीक है इसलिए बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे अच्छा फ़र्ज़ किया गया है तुम पर यह कुतबा असल में मजहूल का सिया है इसका फाइल मालूम नहीं होता ना कि फ़र्ज़ किया गया है तो फर्ज किया गया है तो फर्ज़ किया गया है ना फर्ज करने वालों को नहीं बताया जा रहा है तुम पर फर्ज़ कर दिया गया तुम्हारी बात हो रही है ठीक फर्ज किया गया है तुम पर परम ठीक है जब करीब आ जाए तुम में से किसी के मौत किसी के मौत अच्छा यानी किसी की मौत जब करीब आ जाए तो उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या फ़र्ज़ किया बशरते के छोड़े इन तरह का यहाँ बशरत के तर्जा किया है इन शर्तिया होता है तो और भी माने के लिए होता है लेकिन इन शर्तिया यानी अगर ठीक है तरह का अब यहाँ ये यह शर्त है असल में ना अच्छा अगर छोड़े कुछ माल तो वसीयत करे ठीक है न वसीयतों वसीयत करे अपने माँ बाप के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए इंसाफ के साथ ऐसा करना अकरबीन है ना करीबी उसी के ऐसा करना ज़रूरी है किसके लिए मुतकीयों के लिए परहेजगारों पर फिर जो बदल डाले इस वसीयत को यानी जो उसने लिखा था मरने वाले ने फमम बदल हो बाद आसा में आहो वसीयत को सुन लेने के बाद यानी सुना दी भी गई पढ़ के तो उन लोगों ने उस वसीयत को बदल दिया तो उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर होगा बात पूरी तर्जुमा सुनेंगे फिर इसका पूरी वजाहत समझेंगे तो फिर समझ आएगी ठीक है <coughs> बेशक अल्लाह क्या है सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है वो समयुन भी है और भी है जानने वाला है अब इसकी वजाहत समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया लिख दिया गया है तुम पर या फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर यानी तुम पर ये चीज़ वाजिब कर दी गई है कि जब किसी के मौत का वक्त आ जाए इज़ा हज़ारा हज़ारा तो वैसे माजी है ठीक है लेकिन ईज़ा ने जो है इसको हाल में कर दिया खैर तो ईज़ा मुस्तबिल में हाल में बरल तो ईज़ा जो है मुस्तबिल में कर देता है ठीक है अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इज़ा के हवाले से भी लेकिन अभी हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो बात ये है कि इजा जो है फुल ईज़ा हज़ारा का मतलब है जब मौत आपके पास आकर हाजिर हो जाए जी मैं हाजिर हूँ ठीक है होता है ना ज़ाहिर मौत के सारे जो आपको यानी सारे कराइन से मालूम हो जाए कि बस मौत का वक्त आ गया है ऐसा होता है ना अल्लाह ताला हम सबको अचानक मौत से बचाए तौबा की तौफीक दे ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए तो यानी जब यानी एहसास हो जाए इस बात का कि अब नहीं बचना ठीक है तो फिर उस वक्त है वसीयत है अच्छा अब वसीयत के हवाले से भी कुछ और बातें करेंगे लेकिन अभी ये समझ लेते हैं क्योंकि जब मौत आ जाएगी ना अगर मौत वाकई हो गई तो वसीयत तो दूर की बात है कुछ भी नहीं कर सकता फिर तो आँख भी नहीं खोल सकते ठीक है ज़ुबान भी नहीं ला सकते वसीयत क्या करेंगे तो ये मौत यानी ज़ाहिर हो जाए ये बात कि मौत आ गई है ठीक है सर पे खड़ी हो गई है मौत तो ये उस वक्त की बात है और इसके हवाले से वसीयत के हवाले से एक दो हदीस शरीफ भी सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं ताकि अंदाजा हो जाए कि क्या है असल में वसीयत वसीयत करने का ये हुक्म आयत यानी जो है इसका नज़ूल कब हुआ है ये जो अल्लाह ताला ने विरासत की जो तकसीम जो अल्लाह ने बयान फरमाई है ये उससे पहले की आयत हैं ठीक है थीके? अब ये आयत जो है ना ये यानी तलावत में तो हैं लेकिन हुकुम के लिहाज से ये मनसूख हैं ठीक है थीके? इन पर अमल नहीं होगा इन आयत पर क्यों नहीं होगा अभी हम आगे चल के बात करते हैं पूरी डिटेल से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन कद आता हक़ हक फला वसीयता लिवारिस ठीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको इमाम तिरमिजी ने और उसमें इबन माजा वगैरह में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर हक वाले को उसका हक़ दे दिया है वरसा के हिस्से अल्लाह ने मुकर फरमा दिए हैं तो सो अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है और बुखारी शरीफी शरीफ है उस बाप उनवान है ला वसीयत ठीक है ला वसीयत ले वारिस।, वारिस के लिए वसीयत नहीं है जिसको अल्लाह ने खुद ही वारिस बनाया है कि मरने के बाद तरका उसी को उस मिलेगा तो उसके लिए क्या वसीयत की जाएगी तो अल्लाह ने खुद ही उसके लिए हिस्से मुकर कर दिए है ना सर निसा तफसील के साथ पूरी डिटेल बयान की अल्लाह ताला ने तमाम वसा के वरासत का हक़ हाँ बयान किया अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर मेरे पास जो माल है मेरे मरने के बाद जो वरसा है उनको मिलेगा तो मेरे बच्चे ख़ुद ब वारिस हैं तो बच्चों को मैं क्या वसीयत करूँगी कि मेरे बच्चों तुम ये ले लेना मेरे बाद वो ले लेना उनको तो जो है वो है वसीयत किसके लिए करनी है इसकी भी सुन लीजिए बुखारी शरीफ में कई जगह यह दिस शरीफ़ इमाम बुखारी ने नकल किया है अगर आ, भूल चूक हो तो अल्लाह माफ़ करे कि हज़रत साद बिन अभी वक़ाश रदी अल्लाह तहु नाम के हवाले से मैं भूल चूक की बात कर रही हूँ लेकिन मुझे याद यही है लेकिन इंसान बहरल इंसान है ख़ा का पुतला है खता हो जाती है और भूल भी जाता है तो हज़रत सात दिन वक़ाश रदी अल्लाह तु मुझे नाम याद है उनका कि उनके हवाले से कि वो बीमार हो गए थे और शदीद बीमार हो गए थे रसूल्ला सल अल्लाह उनकी उनकीदत के लिए तशरीफ़ ले गए थे और हज़रत तो सात बिन अभी वक़ास रदील्ला तुनों को यह अंदाज़ा हुआ था कि शायद अब मैं नहीं बचूँगा आप सल्ल व उनके उनके लिए दुआ भी फरमाई और जो है उन्होंने सवाल भी किया यार सुल्ला साल वसम मैं यानी वसीयत करना चाहता हूँ अपने माल की तो वो आप से पूछते रहे कि मैं कितना माल को वसीत कर दूँ कितनी कर दूँ कितनी कर दूँ तो आप अलैहि वलम उनको मना फ़रमाते रहे और कम और कम और कम, कम। मफहम हदी शरीफ का अगर कहीं कमी बेशी हो तो अल्लाह माफ़ करे बुखारी शरीफ में कई जगह यह हदीस मख्तल मतलब अववाब में ये जिक्र है तो वो जो है यहाँ तक के तिहाई माल पर आप सल्लल्लाहु अल्लाह तसलम ने फरमाए हाँ इतना ठीक है मफहम हदी शरीफ़ का कि बस इतना ठीक है और यानी ये मतलब यानी इनतहा आपने बयान फरमाई सुलुस माल की सुलुस यानी वन थर्ड एक तिहाई जैसे हंड्रेड में से आप ये समझें कि थर्टी थ्री ठीक है अगर किसी के पास सौ लाख हैं तो तैंतीस लाख सौ हज़ार हैं तो तैंतीस हज़ार सौ रुपए हैं तो तैंतीस रुपए ये नहीं इस लिहाज से आप जो है ना वन थर्ड जो है आपने इजाज़त दी कि बस और ये काफ़ी है मफह मद शरीफ का कि बस ये काफ़ी है वर्षा को मालदार छोड़ना पसंदीदा है कि वरसा ऐसा ऐसा ना हो कि बाद में आपके बाद वो फ़कीर हो जाएं और वो मांगते फिरें दूसरों से क्योंकि इस्लाम जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स की बहुत ज्यादा यानी हिफाजत करता है कि इंसान किसी के सामने हाथ फैलाए तो इस्लाम ये चाहता है कि इंसान जो है दुनियावे लिहाज से वो इस काबिल हो कि वो देने वाला हो लेने वाला ना हो ठीक है इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वरासत का जो यानी हुक्म फरमाया वो इतना फरमाया कि बस एक तिहाई और इतना बस काफ़ी है मैंने आपको शॉर्ट कट कर करके हदीस शरीफ सुनाई है बुखारी शरीफ से और मुख्तलि मुहदसिन ने इसको नकल किया है इतनी बात काफ़ी है और आगे चलते हैं तो आगे क्या है कि वरासत यानी वरासत इसके लिए वसीयत करनी किसको है ठीक है वारिसों को तो करनी ही नहीं है अब आपने वसीयत करनी किसको है एक दो मिसाल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वसीयत की बात तो बाकी इन जब वरासत की बात आएगी कुरान में तो हम वो भी इन शाह पर भी बात करेंगे लेकिन अभी जो बात हो रही है तो अब ये आप इसकी इस तरह मिसाल मैं दे रही हूँ मिसाल के तौर पे किसी के चार बच्चे हैं पांच बच्चे हैं आठ बच्चे हैं दो बच्चे हैं अब होता ये है कि ज़ाहिर ज़िंदगी तो किसी के अख्तियार में नहीं है अब चार बच्चों में से किसी एक बच्चे का इंतकाल हो गया अब उस बच्चे के भी बच्चे थे ठीक है पोती पोते नवासी नवासी ऐसा होता है ना अब वो बच्चे यतीम हो गए बेबाप के हो गए या बेटी थी बेटी का इंतकाल हो गया उसके बच्चे हैं तो जिसका इंतकाल हो गया माँ बाप की ज़िंदगी में माँ बाप की ज़िंदगी में जिस बच्चे का इंतकाल हो जाए तो उसके जो उस वो है विरासत वो ख़त्म हो जाती है समझ गए अब उसके बच्चे हैं और जब तक आपके भी बच्चे ज़िंदा हैं जब तक के माँ बाप की कोई एक औलाद भी जिंदा है तो विरासत जो औलाद ही में रहेगी पोती पोते नवासी नवासों को मुंतकिल नहीं होगी ठीक है हाँ अगर सारे ही बच्चे ख़त्म हो जाएँ इसकी तफसील आएगी लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ टॉपिक आया तो बता दूँ लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं हाँ तो जिस बेटे या जिस बेटी का इंतकाल माँ बाप की जिंदगी में हो जाए तो उसका तो हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका इंतकाल ऐसा भी होता है ना कि माँ बाप का इंतकाल हो गया विरासत नहीं बटी और फिर बहन भाइयों में से भी किसी का हो गया ठीक है समझ रहे हैं बात को कैसे कि माँ बाप की जिंदगी में मतलब बच्चे का इंतकाल हो गया और माँ बाप के मरने के बाद इंतकाल हुआ इन दो चीजों में भी फर्क है इसका भी ख्याल रखा करें लोग दो चीज़ों को घुटमुट करते हैं माँ बाप माँ बाप का इंतकाल हो गया विरासत नहीं बटी और अब विरासत बटने से पहले किसी एक बच्चे का भी इंतकाल हो गया तो अब क्या हुआ अब विरासत बच्चों को मुंतकिल होगी जो बाप का हिस्सा था वो बच्चों को मिलेगा क्योंकि माँ बाप का इंतकाल हो चुका था फिर बेटे का हुआ है या फिर बेटी का हुआ है इसका ख्याल रखें ठीक है हाँ माँ बाप की ज़िंदगी में अगर बच्चे का हो गया तो अब जो है ज़ाहिर है उसके उसका ख़त्म हो गया ना दूसरे बच्चों को मुंतकिल हो जाएगी हाँ किसी ऐसे कोई दादा दादी हो ऐसे नाना नानी हो जिनके सारे ही बच्चों का इंतकाल हो जाए उनकी ज़िंदगी में दो थे तो दो का दस थे तो दस का उनका इंतकाल हो गया माँ दादा दादी की ज़िंदगी लंबी थी बच्चों की ज़िंदगी कम थी तो वो बच्चे चले गए या किसी हादसे का शिकार हो गए तो जो दादा दादी दादा दादी हैं अब उनके चूँकि कोई औलाद नहीं बची तो अब उनकी विरासत किसको मुंतकिल होगी उनकी विरासत मुंतकिल होगी उनके पोती पोतों को तो जितने वारसिन हैं जिनको जिनको अल्लाह ताला ने हक़ विरासत का हक़ दिया है तो उन लोगों को तो वसीयत नहीं हो सकती ये बात तो साबित हो गई ठीक है जैसे माँ बाप हैं औलाद है उसके अलावा बीवी है शौहर है इन लोगों को तो अल्लाह ने ये तरके में हिस्सा ही दिया है तो इनके लिए तो वसीयत नहीं हो सकती ठीक है उनके लिए उनके हक में तो ये आयात मनसूख हैं लेकिन एक चीज़ और भी है अब वो ये है कि किसी के नाना नानी जिंदा हैं किसी के दादा दादी जिंदा हैं और अम्मा अब्बा भी जिंदा हैं तो अम्मा अब्बा की मौजूदगी में नाना नानी दादा दादी का तरके में हिस्सा नहीं होगा तो ऐसी सूरत में कि नाना नानी या दादा दादी कमज़ोर हालत में है इसी तरीके से मैंने पोता पोती नवासा नवासी को भी बता दिया ना तो अब ऐसी सूरत में उनके लिए वन थर्ड जो आपके पास इतिहाई है एक सुलूस में से आप उनको वसीयत कर सकते हैं कि ये मेरे नाना नानी को भी दे देना ठीक है आप वसीयत करके लिख दें अच्छा अब भी वसीयत की भी बात थोड़ा सा पढ़ते हैं हज़ी शरीफ़ के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताल के हवाले से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम वगैरह ने जो नकल किया है खैर तो आप जो है अपने नाना नानी दादा दादी और इसी तरीके से नवासी नवासे पोती पोते और अच्छा उसके अलावा दोस्त अहबाब भी होते हैं ना बाद ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं वो आपकी बड़ी खिदमत करते हैं उनको भी आप कुछ देना चाहते हैं लेकिन चूँकि तरके में उनका हिस्सा नहीं है ठीक है तो आप उनको भी कुछ ऐसा लगा दें हिस्सा या आप जैसे कोई अपनी बहू को कुछ देना चाहता है या ये कोई अपने दामाद को तो कुछ देना चाहता है तो जाहिर है वो तो विरासत में हिस्सेदार नहीं है तो ये चीज़ें भी हैं अच्छा उसके अलावा एक चीज़ और भी है वो ये है कि अल्लाह ताला रहम फरमाए कि किसी के वालदान अगर खुदा न खास्ता मुसलमान नहीं है या कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी बंदी मुसलमान हो जाए कि जिनका यानी पूरा ख़ानदान ही काफ़िर है वालदेन भी काफ़िर हैं अल्लाह उसको अपनी रहमत फरमा कर मुसलमान बना दे ठीक है उसको ऐसा माहौल मिल गया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया मुसलमान हो गया तो मुसलमान के माल में से काफ़िर जो है ना वो हिस्सेदार नहीं है ठीक है उसका कोई हिस्सा नहीं है उस पर अल्लाह ताला ने कोई वरासत रखी नहीं है अल्लाह ताली की तरफ से तो उस पर वरासत में हिस्सा फ़र्ज़ नहीं है ठीक है तो अब जब उस पर हिस्सा ही नहीं है तो अब जाहिर है तो वो तो वारिस नहीं हो सकता बाद में ठीक है काफ़िर औलाद और काफ़िर माँ बाप वारिस नहीं हो सकते समझ गए तो आए, ऐसी सूरत में अगर खुदा नास्ता ना कोई जो है किसी के मतलब ख़ानदान वाले काफ़िर हैं वालदेन भी काफ़िर हैं और वो नौजवान या औरत या मर्द मुसलमान हो गए तो अपने माल में से उन यानी उनको भी थोड़ा सा वन थर्ड में से कुछ जो है वरासत में उनको वसीयत कर जाएं कि ये दे देना इतना ठीक है तो अब वसीयत पर दो अमल होगा अच्छा आगे फिर आगे अल्लाह तारा ने और मज़ीद चीज़ें भी बयान फरमाई हैं तो ये असल में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं जिनको आप देना चाहते हैं तो वन थर्ड में से आप अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर जाएँ तो ये उनको जो है वारिसों को भी देना पड़ेगा ठीक है उनको देना पड़ेगा फिर वो अगर तब्दीली करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे अच्छा ये चीज़ आपने समझी हदीस शरीफ़ है हजरत हज़रतल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तन फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसोल्ला सला वसल्लम ने इशात फरमाया ये हदीस इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने दोनों ने नक़ल की है किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि उसके पास कोई चीज़ हो जिसके बारे में वो वसीयत करना चाहता हो फिर वो वसीयत लिखे बग़ैर दो रातें भी गुजारे ठीक है तो ये किसी को ये हक नहीं पहुँचता हज़रत उमर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तन फरमाते हैं कि रसोल्ला तसलम का ये फरमान सुनने के बाद एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी थी कि मैंने अपनी वसीयत लिख कर अपने पास रख ली यानी आपने अपनी वसीयत अपने पास रखी हुई थी ठीक है लिख कर रखी हुई थी तो जिसके पास भी कुछ हो तो उसको चाहिए कि अपनी वसीत यानी किसी डायरी वगैरह में लिख लें या ये कि बाकायदा यानी लिख कर जो है ना बच्चों को दिखा दे कि देखो बेटा बच्चों देखो हमारी ये वसीयत लिखी हुई है हमारे पास ये चीज़ है तो तुम ये जो है इसको इस तरह मेरे बात करना कि फलाफला फला को दे देना देखो मेरे भतीजी भतीजे हैं तो मेरा भाई नहीं है तो उनको इतना दे देना या मेरे भांजी भांजे हैं उनको इतना दे देना या मेरी पोती पोतों को इतना दे देना उनको महरूम ना करना या मेरे नवासी नवासे हैं उनको इतना दे देना उनको महरूम ना करना ठीक है या मेरे नाने नानी हैं दादा दादी हैं उनको दे देना महरूम ना करना तो अब किसी को भी आप देना चाहते हैं या किसी कार खैर में देना चाहते हैं कि मेरी तरफ़ से इतना सदका कर देना यतीम गरीब को दे देना या मस्जिद में मदरसे में दे देना या मदरसों के लावारिस बच्चों को इतना दे देना वन थर्ड में से होगा सारा कुछ ये जो होगा देना दिलाने का काम वन थर्ड थर्ड में से होगा ज्यादा मालदार है तो थर्ड ही बहुत हो जाएगा क्योंकि स्युल्ला स्युल्ला इसको फरमाया कि ये बहुत काफ़ी है शरीफ का तो अगर बहुत ज्यादा मालदार है अब किसी के पास एक करोड़ है मिसाल के तौर तो पर तो अगर वन थर्ड में वसीयत करेगा तो तैंतीस लाख तो उसको खुद बहुत यानी सीधे सीधे निकल आएंगे ना तो अब वो तैतीस लाख भी ठीक ठाक हैं काफी हैं किसी को देने के लिए वसीयत के लिए तो आप कई जगह वो दे सकता है कई लोगों को दे सकता है सैराब कर सकता है इसी तरीके से जो है किसी के पास एक अरब है और अगर किसी के पास कम है तो कोई बात नहीं कम में सही तो अल्लाह ताला तो नियतों का हाल जानता है तो तक नहीं फरमाता कि हाँ तुम बहुत सारा दो ठीक है एक खजूर ही सही एक खजूर के ज़रिए से अपने आप को दो से बचाओ और किसी से मुस्कुरा कर बात करके ही अपने अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना देकर ही तुम जो है क्या कहते हैं नकियाँ कमाओ ये आयात पर ज़रा गौर कीजिए क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये मतकीियों पर लाजिम है हक़न हक है ल मुत्तकीन मतियों पर जो मुत्तकी हैं जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह ताला की हदूद की यानी पाबंदी करते हैं जो उसने हदूद मुकर की हैं उसका ख़्याल रखते हैं उसकी पासदारी करते हैं उन पर यह चीज़ लाजिम है हक्न अलमतीन ये मुत्तकीयों पर हक़ है कि वो ऐसा करें ठीक है कि जो भी उनके यानी करीबी लोग हैं और वो ज़रूरतमंद हैं तो ये चाहिए कि मरने वाला वो देख ले तरीन क़्स से कि अब मैं मरने वाला हूँ और नहीं भी मरने वाला है तो अपनी वसीयत वो लिख जाए अपनी ज़िंदगी में तो जाहिर जब तक वो ज़िंदा है तो वो हेल्प कर रहा है ना मदद कर रहा है ना जो भी उसके ख़ानदान में गरीब गरबा हैं वो तो अपनी ज़िंदगी में मदद कर ही रहा है इसलिए ज़िंदगी में तो ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में तो वो दे रहा है लेकिन मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स इसका इंतकाल हो जाए ये मर जाए या मर जाए ठीक है तो हाल क्या हो कि फिर वो बेचारे लावारिस हो जाएँ तो इसलिए अल्लाह ने मतकीय को यह हक़ दिया है कि तुम पर लाजिम है कि तुम उनके लिए भी जब मरने से पहले ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे जब वो खाएंगे ना जब वो तुम्हारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो किसी को तुमने छत दे दी किसी को तुमने मदद कर दी जब वो रोटी खाएंगे जब वो छत के नीचे बैठेंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे देखो तुम खबर में पड़े रहोगे और तुम्हारे नेकियों का मीटर चलता रहेगा कितनी यानी देखें आपके लिए अल्लाह ताला ने वसात रख दी आपको सवाब कमाने के लिए कितनी अल्लाह ने आसानियाँ कर दी कि तुम तो अपने खबर में पड़े हुए हो अब तुम कोई नेकी करने दुनिया में नहीं आ सकते लेकिन अगले बंदे नमाज़ पढ़ेंगे तो तुम्हें उस खा कार खैर से भी सवाब मिलेगा कि इतमान से नमाज़ पढ़ रहे हैं उनको अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र नहीं है कि चलो तुम इतनी उनके लिए कर गए हो कि वो जो है खाएंगे इतमान से इतमान से नमाज़ पढ़ेंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और फिर वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उससे भी तुम्हें जो है हिस्सा मिलेगा कि तुमने उनको फारिग़ कर दिया नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज तुम्हारा अध्याण नफिल नमाज की बात में कर रही हूँ क्योंकि वो फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ ही है ना तो आपको हर हाल में पढ़ना ही है तो वो जब रोज़ा रखेंगे तो वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे क्योंकि जो मेहनत मजदूरी करने वाला जाहिर रोजा कैसे रख सकता है नफिल तो अगर वो फारिग है तो रोज़ा भी रखेगा तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तुम्हारे नेकियों का मीटर चलता रहेगा तो यानी कुछ अपने लिए ही ये जो तुम अपना माल दे रहे हो इसमें यह कि अगले का फायदा तो जरूर है लेकिन ज्यादा फायदा तो तुम्हारा अपना है क्योंकि तुम अब माल दे रहे हो वो माल ले, लेने वाले हैं ले रहे हैं तो तुम्हारा माल लेकर वो तुम्हें सवाब दे रहे हैं तो इसलिए तुम्हारा अपना फ़ायदा है तो इसलिए दुनिया में जो माल तुम खाते हो जो पीते हो जो रहते हो जो इस्तेमाल करते हो जो घूमते हो जो फिरते हो वो तो तुम्हें यानी कह कहना एक, एक ज़िंदगी के लिए एक तुम्हारा इंजॉयमेंट है लेकिन मरने के बाद तुम्हारे लिए बेहतरीन माल वो है कि जो तुम अल्लाह के राह में दे गए और लोगों के साथ सिला रहमी कर गए तो इसलिए ये मुतकीयों के लिए है ज़ाहिर जो जिसको इस बात का अल्लाह की हदूद का ख़्याल नहीं वो क्यों करेगा ऐसा अच्छा अब आगे क्या फ़रमाया जिंदों के लिए

यानी सुनने का वजह की बात हो रही है कि जिसने सुन सुना कर सुन तो लिया उसको खबर ख़बर पहुंच गई कि मरने वाले ने ये वसीयत की है ये उसने ये ये हिस्से लगाए हैं लोगों के ज़रूरतमंदों के खानदान में लोगों के या पोती पोतों के नवासी नवासों के और फिर वो कहे नहीं मुझे नहीं देना अपने भतीजी भतीजों में इनका हिस्सा नहीं है इनका हिस्सा नहीं है मैंने फतवा ले लिया है ठीक है मैंने फतवा ले लिया है तो इनको कोई हिस्सा नहीं है इनका नवासी नवासों में कोई हिस्सा नहीं मैंने फतवा ले लिया है ठीक है इनको कुछ नहीं मिलेगा तो अब ये जो उसने ऐसा किया उसको पता है कि मेरे अब्बा वसीयत कर गए हैं मेरे यतीम भतीजी भतीजों के लिए मेरे अब्बा मेरी अम्मा वसीयत कर गई हैं मेरे यतीम जो है कहते हैं भांजी भांजों के लिए मेरे अम्मा अब्बा वसीयत कर गए हैं मेरे जो है बूढ़े नाना नानी बूढ़े दादा दादी के लिए लेकिन यह है कि सुन लेने के बावजूद भी लालच और हृस की वजह से क्या करें वसीयत को बदल डाले ठीक है तो जो भी ऐसा करें वसीयत को बदल दे उसको ये खबर लग जाए देखें खबर नहीं लगी एक और बात है उसको डायरी नहीं मिली लिखने वाले की वो और बात है ठीक है और किसी ने उसको बताया नहीं जिसके उसने बताई थी बात अभी वो गम से निढाल थे वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई देखो ये वसीयत की थी उन्होंने लिखा तो नहीं था लेकिन मुझे बता गए हैं कि ऐसे ऐसे करना है तो अगर फिर भी वो बदल डाले तो क्या होगा उसके साथ फैन नमाइसमहू तो क्या है उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो कर गया लिख गया उस पर तो गुना नहीं होगा क्योंकि वो तो उसने अपना काम पूरा कर दिया ना उसने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी लेकिन जब बाद में जिन लोगों ने किया तो उसका गुना मरने वाले पे नहीं होगा जिंदों पर होगा ठीक है जो उसे बदलेंगे अल लजीना यु बदलू नह ठीक है बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जान अल्लाह को मालूम है ना मैं और आप नहीं जानते तो क्या हो गया अल्लाह को मालूम है कि तुमने जानबूझ किया है या अनजाने में किया है अल्लाह से तुम कुछ छुपा नहीं सकते समझ गए बात को तो जिंदे जिंदों ने अगर जानबूझ कर किसी की वसीयत को तब्दील किया तो वो खुद भुगतेंगे खुद जिम्मेदार होंगे और वसीयत का बदलना बड़ा गुना है ठीक है और वसीयत का छुपाना ये भी जो है ना वसीयत का बदलना है कि आपने वसीयत को छुपा लिया आपको पता तो था लेकिन आपने छुपा लिया आपको डायरी मिली तो थी लेकिन आपने फाड़ के फेंक दिया वसीयत को छुपाना भी और वसीयत का बदलना भी दोनों ही गुना है और ये बड़े गुनाहों में है अल्लाह ताला के हुदूद की आपने जो है ना खिलाफ वर्जी की ना कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में कुरान मजीद की बेशुमार आयत हैं बहुत सारी अहादी से मुबारक हैं जिनमें रिश्तेदारों के साथ नेकी और एहसान करने का हुक्म दिया गया है कुरान में भी है और हदीस शरीफ में भी है तो इसलिए नेकी यही है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी अपने जो है जो आपके अजीज़ वक़ारि हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें और मरते वक्त भी उनको अपनी विरासत से महरूम ना करें लेकिन माल एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोग इसमें आके ढेर हो जाते हैं माल की मोहब्बत बहुत कहना चाहिए कि यानी बाज़ात फितने बरपा कर देती है माल की मोहब्बत बहुत बड़े बड़े फितने यहाँ तक के भाइयों को भाइयों से जुदा कर देती है एक भाई लालच में ऐसा आ जाता है कि दूसरे भाई का माल खा जाता है अपने भाई को अपने भाई को ऐसा बना देता है फ़कीर बना देता है पसंद करता है इस बात को कि वो फ़कीर रहे मैं मालदार रहूँ माल की मोहब्बत इतनी बुरी शे है कि अगर ये माल की मोहब्बत अपने घर के यानी दिल के अंदर ये अगर इसका यानी गुज़र बसर हो गया फिर इंसान कहीं का नहीं रहता वो लालची जो भी मिसाल दिया जाए उससे जिस जानवर से भी आप उसको मिसाल दें उस पर उससे ज़्यादा फिट आएगी जैसे अल्लाह ने खुद जानवरों की मिसाल दी इंसानों पर तो इसमें कोई शक और शुभे की बात नहीं है तो माल की मोहब्बत नहाय नहायत ही कभी है ठीक है जरूरत और है मोहब्बत और है ठीक है तो आज हमें जो माल की मोहब्बत है वो हमारी आंखों के सामने कितने घरों पे आप देखें ताले पड़े होते हैं माँ बाप के मरने के बाद घरों पे ताले क्यों पड़े होते हैं दो भाई होते हैं दो भाइयों का झगड़ा होता है एक भाई कहता है मुझे ये मेरा इतना हिस्सा है दूसरा कहता है मेरा इतना हिस्सा है बल्कि दो दोनों ये चाहते हैं कि मुझे ये पूरा मिल जाए दूसरा चाहता है कभी ऐसा होता है कि एक की तरफ से जाती होती है और कभी ऐसा होता है दोनों की तरफ से जाती होती और आप आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह रहम फरमाए और बेशक अल्लाह तो माफ़ करता है ये बंदा तो माफ़ करवाए पहले बंदा तो पहले माफ़ करवाए अपने आप को जब तक कि उसके दिल से ये लालच नहीं निकलेगी जब तक आप यकीन करें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता ना जिंदगी में ना मरने के बाद कभी कामयाब नहीं होगा एक एक पाई का हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ एक एक पाई का कि क्या करके आए हो जनाब चलो जरा आओ कटहरे में आओ तो, तो सही पता चल जाएगा भी कितने पानी में तुम हो तो जरा तस्वुर करो कि भाई कह रहा है कि मतलब अपने भाई को बेघर और बेदर कर दू कर देते हैं ये लोग जिसकी बस जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल क्यों दी जाती है लाठी है तो भैंस को ले गया आके भैंस तो किसी और की थी लेकिन उसके पास लाठी नहीं थी कमजोर था ना जिसकी लाठी थी वो ले गया चल भाई ठीक है भैंस मेरी है अब वो क्या करेगा बेचारा बगैर लाठी वाला समझ रहे ना बात को तो ये चीज़ है इसको बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि माल की अगर आपने लालच की यहाँ तो इस्लाम देने की बात कर रहा है कि आप दो देने वाले बनो और आप क्या चाहते हो कि लेने वाले बन गए हो और लेने वाले भी नहीं कि हक ही ले रहे हो हक लो तो ठीक है हक तो तुम्हारा हक है हक तो अपना मांग के ले सकते हो किसी से भी कि भाई मेरा ये हक है जायज तरीके से मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लग गए गाली गलोज करने लग गए ऐसा नहीं है जायज तरीके से को कि भाई ये मेरा हक है आप मुझे मेरा हक़ दें लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं बाज बड़े भाई छोटे भाई पे ऐसे धोस जमाते हैं कि वो मांग ही ना सके उसको मांगने के लायक नहीं रखते कि वो मांग सके मांगे तो फसाद करते हैं फसाद बर्पा कर देते हैं आफत मचा देते हैं ठीक है भाई का माल आराम से खा जाते हैं दूसरे भाई को ऐसा बना देंगे मस्किन के वो बेचारा कहीं कि मैंने समझ लें कि अपना महकूम बना लेते हैं खुद वो हाकिम बन जाते हैं और दूसरे को मह... दूसरे भाई को महकूम बना लिए अल्लाह ताला महफूज रखे ये नहीं ये बहुत ही यानी कहना चाहिए लालच बहुत बुरी बला है सारे फसाद ही लालच की वजह से होते हैं सारे फसाद लालच की वजह से होते हैं तो इसलिए इस लालच से बचना और बचाना बहुत ज़रूरी है ठीक है जितना जिसका हिस्सा है अल्लाह से डरते हुए अपनी कब्र का ख्याल रखते हुए तंग तारीख जगह होगी छोटी सी जगह होगी वो कब्र कोई आप माल लेकर नहीं जाओगे कोई अपनी जायदाद नहीं लेकर जाओगे कोई अपने बाग़ात नहीं लेकर जाओगे कोई अपने प्लॉट्स नहीं लेकर जाओगे कोई अपने महलात नहीं लेकर जाओगे जितने भी बना लूँ ठीक है मरने के बाद तो ये आपके वारिसों का हो ही जाएगा हिसाब आपने देना है कि हाँ भाई क्या किया था अपने भाई के साथ क्या किया था अपने बहन के साथ तो याद रखो इस चीज़ को इसको पेश नज़र रखो चलो एक को आपने धोस जमा कर माफ़ भी करवा लिया किसी एक की किस ज़बरदस्ती करवा लिया आपने माफ़ ठीक है किसी भी तरह से लेकिन ज़ाहिर है जिसकी याद है वो तो सबके साथ ही यही करेगा ना किससे किससे आप माफ़ करवाओगे क़यामत के दिन आपको अपनी नेकियां उसको देकर उसके गुनाह अपने सर पर लेकर दो जख्म फेंका जाएगा जब फेंके जाओगे फिर क्या करोगे कब्र में तंग उतारी जगह में सांप बिच्छू आ जाएंगे तो क्या करोगे कभी सोचा इसके बारे में ये इसका बड़ा ख्याल रखा करो ठीक है ना वसीयत में ज्यादती करो न किसी को ज्यादा दिलवा दो न किसी का कम करवाओ और उसके अलावा जो जिसका हक़ है दे दो खुद से कर दो भाई नहीं मेरा हक ही नहीं है मैं क्यों लूँ एक लाख हो तो मेरे लिए बेकार एक करोड़ हो तो मेरे लिए बेकार एक पैसा हो तो मेरे लिए रवा नहीं कि मैं इसको लू ना एक पैसा और एक लाख एक करोड़ मेरे लिए बराबर है ना मैं एक पैसा ले सकता हूँ ना मैं एक जो है लाख ले सकता हूँ ना मैं एक करोड़ ले सकता हूँ बल्कि पूरी दुनिया नहीं ले सकता मैं भाई मेरे पास अंदर इतनी इतनी ताकत नहीं है इतनी सख्त नहीं है इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं कबर में जाकर जो है ना सांप बिच्छू से मुकाबला करूँ ठीक है मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं है तो दुनिया में छुपकुली से डरते हैं छुपकुल नहीं मार पाते तो भाई मैं किसी का माल नहीं ले सकता मेरा है ही नहीं तो मैं कैसे लूँ वो भाई आपका माल है आप लो आप जानो आपका काम जाने ठीक है बहनों का हिस्सा बहनों का हिस्सा दो आप जानो आपका काम जाने ठीक का है भाई का हिस्सा है भाई मेरा आधा ही है आधा आपका है आप लो या मत लो आधा ही मेरा है बस आधा आपका है आप लो ठीक है तो ये ये हमें इसको जो है अपनाना पड़ेगा इस आदत को जब तक नहीं अपनाएंगे तो हम जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं होंगे इलाही अज उम्मीद माँ वफाकुन दिलमरा अज़ करम हाजत रवाकुम अय मेरे मौला ए मेरे मालिक जो उम्मीदें मैं आपसे करता हूँ उसको पूरी फरमा दे कि मुझे लालच से बचा ले ठीक है मुझे लालच से बचा अपने कर्म व फजल से इनायत फरमा कि मुझे हिरस से बचा मुनवर दारी जानम रा बनूर दिल्म रा जिंदा करदन अज हज़ूर ए मेरे मौला मेरी जान को अपने अपनी मोहब्बत अपने नूर से मुनवर फरमा दे और जो मेरा दिल है मेरे दिल में अपनी मुलाकात अपनी हुजूरी का शौक पैदा कर दे उसको जिंदा कर दे ये दुनिया को माल मता के चक्कर में अल्लाह तो मुझे इस फितने से बचाए रखना माल के फितनों से बचा लोगों के फितनों से बचा शैतान और इंसानी शैतानों के फितनों से बचा और ऐसे अल्लाह रिश्तों से भी बचा जो इतने लालची और हरीस हों कि अपने जो है माल छीन लें लूट लें वो डाकू ऐसे डाकुओं से बचा अल्लाह हमें हर तरह के फितने से बचा आमीन